हाय, मैं हूँ विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोशिश एक अच्छा इंसान बनने के और कोशिश बहुत सारे पैसे कमाने की। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि ऑडिशन देने के बाद रिप्लाई कब तक आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ, आप ऑडिशन कहाँ देते हैं? कास्टिंग डायरेक्टर के पास, सीधी सी बात है। तो एक बात जरूर याद रखिए कि 99% कास्टिंग डायरेक्टर फेक हैं। वो कास्टिंग में काम करने के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ अपनी प्रोफाइल घुसाने के लिए आए, क्योंकि वो खुद ही एक्टर हैं। जो तो वो लोग कास्टिंग में आके ईमानदारी से काम नहीं करते, क्योंकि वो शॉर्टकट मारने के लिए आए। तो देखिए, कुछ ही कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जब आप कुछ ऑडिशन देते हैं, आप सिलेक्ट हुए नहीं सिलेक्ट हुए, कुछ ही गिने चुने लोग हैं वो आपको रिप्लाई देते हैं। बाकी 99% आपको रिप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से करते ही नहीं है। अगर एक्टर ईमानदारी से करना है, तो आप कास्टिंग में पहले घुसते ही नहीं थे, सीधी सी बात है। तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि ऑडिशन देने के बाद रिप्लाई कितने टाइम तक आता है। देखिए, 99% तो रिप्लाई नहीं आएगा, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जब तक आप कुछ जान पहचान वाले चेहरे नहीं। हाँ, अगर जान पहचान चेहरे बन गया, अगर आपने ऑडिशन दिया है, तो आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन अभी तक तो आपने कुछ बने नहीं है, तो ये लोग आपको रिप्लाई नहीं करने वाले, सीधी सी बात है। ये बात अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। और कुछ लोग हैं, ऐसे नहीं कि सभी खराब हैं, अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग हैं जो रिप्लाई देते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसके पास ऑडिशन दे रहे हैं। अगर वो अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर तो रिप्लाई देगा, बुरा है तो आपने दिया कहाँ गया, उसने भेजा कि नहीं भेजा, वो भी आपको पता नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना डालता हूँ। तो यही था, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।